बीजेपी के बड़े नेता से लेकर पीएम तक जेल में जाएंगे। इस पर खूब बवाल मचा और बयान पर मीसा भारती को सफाई भी देनी पड़ी, लेकिन सफाई में मीसा अपने बयान से नहीं पलटी बल्कि मीडिया पर ही बयान को तोड़कर मरोड़कर पेश करने का आरोप मढ़ दिया। कहा कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ये बातें कही थी। जो इंडिया गठबंधन है 30 लाख रोजगार दे रहा है, उसमें उनको तुष्टिकरण दिख रहा है। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हम एमएसपी लागू करने की बात कर रहे हैं, इनको तुष्टिकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे ने परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री जी का। इलेक्टोरल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। प्रधानमंत्री जी के ऊपर मैंने ये कहा था, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, मैंने उस पे कहा था कि अगर इस हम लोग आते हैं तो इसकी जांच कराएंगे और जो लोग इसमें दोषी होंगे उनको सजा दी जाएगी। आप देखिए प्रधानमंत्री जी, भाजपा एनडीए के लोग ईडी सीबीआई इनकम टैक्स विपक्ष के नेताओं के ऊपर रेड डलवा करके उनको जेल में भेज रहे हैं, तो मुद्दा तो है ही नहीं। मैंने जो मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के मीडिया के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है। तो पीएम मोदी पर मीसा भारती के बयान और फिर यू टर्न के बाद सियासत जारी है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं केसी त्यागी, उन्होंने मीसा भारती के इस बयान पर अफसोस जताया। केसी त्यागी ने कहा कि लालू प्रसाद बोलते हैं तो उनके बयान का कुछ वजन होता है, लेकिन उनके बच्चे ऐसे बयान दे ये ठीक नहीं। एक तो लालू प्रसाद जी बोलते हैं तो उसका कुछ वजन होता है, परिवार के बच्चे जो सिर्फ बाय द वर्च्यू ऑफ दे बीइंग द सन एंड द डॉटर्स ऑफ सम पॉलिटिकल लीडर्स वो वक्तव्य देते हैं तो आश्चर्य भी होता है, हंसी भी होती है। और एक तो मीसा भारती जी के मैं नामकरण के पक्ष में नहीं हूं। सभार्थी के बयान पर चिराग पासवान ने भी जवाब दे दिया और चिराग पासवान ने कहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी के खिलाफ वो लोग बयान दे रहे हैं जो लोग खुद भ्रष्टाचार में डूबे हैं। किस तरीके की भाषा है? आप प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का गौरव है, आप देश में दुनिया में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके क्या संदेश को देना चाहते हैं? और वो भी देखिए कौन लोग ये बात है? जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप, जिनके परिवार के कई सदस्यों के इस तरीके के आरोप लगे हुए, ऐसे में मुझे लगता है इस तरीके की भाषा सिर्फ और सिर्फ बदले की भावना को दर्शाती है, सिर्फ और सिर्फ विंडिक्टिव पॉलिटिक्स को दर्शाती है। और पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य